है आपके अपने चैनल के सी एस्ट्रोलॉजी में, और जो विषय लेकर मैं आज अभी उपस्थित हुआ हूँ उसका जो जो मतलब ये है कि जो कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर आकर एक ग्रह है जो है कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल महसूस करता है। पावरफुल मतलब मीन्स इन सेंस के मतलब कि वो आपको वहाँ पर जो है कि लॉकडाउन की कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको किसी जरूरत के वक्त में पैसे की जरूरत है, तो वो आपको जरूरत नेसेसिटी के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से पैसा आपको मिलता रहेगा। यानी कि आपको इस सिचुएशन में कभी फेस नहीं करना पड़ेगा कि आपको किसी और की तरफ देखना पड़ेगा, किसी और से मांगना पड़े। तो वो कुछ विशेष स्थान है जहाँ पर आकर के जो ग्रह है ना वो उस चीज़ को जो है आपको प्रोवाइड करेंगे और जो है कि एक्स्ट्रा कुछ ऐसा देंगे आपको जो आपको जो है कि जो बुरे वक्त में या बुरे सिचुएशन जो है उनमें जो है कि आपको जो है कि पहले ही मतलब कि इस तरीके से कोई रास्ता निकालेंगे कि आप वहाँ से पार पा जाओगे। तो उसमें से कुछ ग्रह जो हैं जिनके गुण हैं जो वहाँ पर आने पर जो क्या क्या गुण हैं तो वो भी हम जो है कि चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई है उसमें आपको बताया था कि जो मरण चरण स्थान है यानी कि जहाँ पर जो है कि ग्रह बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है अपना पूरा रिजल्ट नहीं दे पाता, तो अब मैं ऐसे स्थानों के बारे में बात करूँगा जहाँ पर जो अति विशेष हो जाते हैं वो ग्रह आके और जो है कि अपना फल बहुत अच्छे तरीके से निभाते हैं। तो वो अभी हम चर्चा करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं आपको कि पहले हाउस में हमारे चंद्रमा है और सातवें हाउस में भी हमारे चंद्रमा है। तो चंद्रमा कार्य करें पहले भाव के अंदर तो आपका चेहरा मुस्कान बहुत बढ़िया देने वाला है, वो आपको बहुत सुंदर मुस्कान होगी आपकी, बहुत फेस आपका प्रेजेंट मतलब सामने पब्लिक के होगा तो आपका फेस बहुत अट्रैक्टिव होने वाला है, वो आपको जो है पब्लिक को आपकी तरफ आकर्षित करने वाला है जिससे कि वो आपको जो है कि फेम दे सकता है, आपको नेतृत्व गुण दे सकता है, डेवलप करेगा आपके अंदर, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा। एक तो ये क्वालिटी जो है कि आपको गुण के अंदर नजर आएगी। जितने भी जो मतलब कि आपने देखा होगा कि जो खून जब लगन के अंदर होता है तो जिस भी फील्ड में हो वह काफ़ी ऊँचे ऊँचाई पे जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो खून उनके अंदर डेवलप हो जाएगा ये जो है कि चंद्रमा इस स्थान पर आकर, आपके यहाँ पर कोई भी राशि हो सकती है उससे कोई मतलब नहीं है। अगर वहाँ पर चंद्रमा मान लीजिए अपनी राशि का या उसका तो और ज़्यादा बेटर हो जाएगा, लेकिन चंद्रमा उस विशेष स्थान पर यानी कि लगन के अंदर जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे फल देने वाला है आपको। इसी प्रकार से सातवें भाव में चंद्रमा जो है आप बहुत ज़्यादा जो अपने जो पार्टनर हैं अपने जो भाई बहन उनसे बहुत जो है कि उनके प्रति बहुत लविंग होंगे, आपका जो पार्टनर है जीवन साथी बहुत ही सुंदर होने वाला है, उसकी मुस्कान बहुत ही मनमोहक होने वाली है, उनके आँखें बहुत ही खूबसूरत होने वाली हैं। तो इस प्रकार से ये अच्छे फल वहाँ पर देने वाला है। लेकिन यहाँ पर जो है कि शुक्र जो सातवें में है ये नहीं है कि सिर्फ ये यहाँ पर है तो वो आपको जो है कि सिर्फ अच्छा रिजल्ट देगा। जो शुक्र के वहाँ पर नेगेटिव फल हैं जैसे कि वो जो है कि एक से ज़्यादा मतलब कि अफेयर्स दे सकता है तो वो अपनी जगह रहेंगे। लेकिन ये जो मैं आज विशेष स्थान बता रहा हूँ इसका कारण यही है कि वहाँ पर आपको जो है कि वो नीचा नहीं झुकने देगा, मतलब वहाँ पर आपको कुछ क्वालिटीज ऐसी देगा जिसकी वजह से आपको पूरे वक्त के अंदर उस मुसीबत से निकलने का रास्ता खुद ब खुद मिल जाएगा। वो जो है कि एक ऐसा रास्ता बनाएगा आपके लिए वो ग्रह जो आपको मुसीबत में फंसने नहीं देगा। तो वो चीज़ें आज मैं बता रहा हूँ। तो उस पर ना उसके साथ में जो कारकत्व जो अलग से जो रूल्स हैं वो साथ चलेंगे जो आप फलित करेंगे, लेकिन इनसे देखने से आपको ये जरूर मालूम चल जाएगा जैसे यहाँ पर जो ग्रह हैं वो जहाँ पर बैठे हैं वहाँ आपको जो है कि वो आपकी जरूरत के हिसाब से आपको जो है रिसोर्स प्रोवाइड करते रहेंगे। ये ज़्यादा आपको समझ है कि रिसोर्स प्रोवाइड करते रहेंगे आपको जो है कि वहाँ पर नीचे नहीं गिरने देंगे। इसी प्रकार के जैसे मान लीजिए रावण आपके जो तीसरे भाव के अंदर आपके जितना क्रेज देगा, इतने ज़्यादा लड़ने की क्षमता यानी संघर्ष करने की क्षमता देगा कि आप किसी भी मुसीबत से बाहर आ सकते हैं, किसी भी चीज़ से आप घबराएंगे। इस तरीके से जो है कि वहाँ पर राहु बहुत ही बढ़िया फल देने वाला है। उसके बाद शुक्र आपको सुख की हर चीज़ प्रोवाइड करेगा, आप चाहे कोई भी चीज़ है आपकी वो आपको प्रोवाइड करके देगा। इससे पहले ना एक राहु एक रह गया आपका राहु जो है कि हमारे टेंथ हाउस के अंदर भी और सिक्स के अंदर भी, तो पहले राहु को ही पूरा खत्म कर लेते थे। राहु थर्ड में जो आपको कह रहे थे सिक्स के अंदर आपके अंदर जो लड़ने की क्षमता है जो दूसरे जो है आप शत्रुहंता हो जाते हो आपके शत्रुओं का नाश कर देगा। आपके शत्रु बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, आपके लेवल पे हो सकते हैं, आपसे ज़्यादा मजबूत भी हो सकते हैं, लेकिन वो खुद पे खुद समाप्त होते चले जाएंगे। इस तरीके कार्य जो है राहु वहाँ पर करने वाला है, आपके शत्रुओं को आपके सामने टिकने नहीं देने वाला है। इसी प्रकार से टेंथ हाउस के अंदर है जहाँ पर आपका प्रोफेशन है, तो प्रोफेशन के अंदर भी आप जो है कि बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पर पहुँचने वाले हो। अगर आप पॉलिटिक्स के अंदर जहाँ पर झूठ जाना, क्योंकि राहु जो है वो
झूठ बहुत बोलता है, बुलवाता है जहाँ तक से जहाँ पर भी हो, इसलिए तो वहाँ पर जैसे पॉलिटिक्स है वो एक प्रोफेशन ऐसा जहाँ पर झूठ बहुत चलता है, आज करनी और कथनी में बहुत अंतर होता है, तो वहाँ पर राहुल बहुत अच्छा काम करता है और जो पॉलिटिक्स के अंदर आप कामयाब हो सकते हो, अपने ऑफिस पॉलिटिक्स के अंदर भी आपको यही बनाएगा, तो इस तरीके से राहुल वो काम करेगा, इसके ऊपर आप शुक्र कर पाए। शुक्र चौथे भाव में भौतिक सुख, जितनी भी चीज़ें हैं आपको आपके घर में प्रोवाइड करके देगा, लग्जरीज आइटम, बड़ा मकान, बहुत ही चमकदार, बहुत ही अच्छे तरीके से सजावट और वाला मकान प्रदान करेगा, सजावट के सामान प्रोवाइड करेगा आपको, बहुत बुरा है। और ये लक्ष्मी का रूप भी है, जब आपको लक्ष्मी कभी भी कमी नहीं होना देगा, हमेशा तो लक्ष्मी आपके साथ बनी रहेगी, तो इसी प्रकार से जो है कि शुक्र यहाँ पर कार्य करने वाला, इसका सातवें भाव के अंदर, सातवें भाव के अंदर भी शुक्र है, शुक्र जो है कि आपको खूबसूरत बीवी देने वाले हैं, बहुत ही सुंदर सुशील जो है कि शुक्र वहाँ पर होने वाला। तो जैसे मैंने चंद्रमा के बताया था कि आपके जो वो जीवन साथी है वो जो है कि सुंदर होगा बहुत ज़्यादा, सेम चंद्रमा की तरह, उससे ज़्यादा चंचल जो चंचल चंद्रमा वाला, तो ये थोड़ा हो सकता है उसको चंचलता में कमी हो, क्योंकि चंद्रमा चंचल भी बनाता, लेकिन शुक्र भी उसी तरीके से सुंदर था, आपकी जो है कि मृगमयनी आँखें, आपकी जो है कि जीवन साथी की, और जो है कि एट्रैक्टिव गहराई ली हुई, बहुत ही एट्रैक्टिव जो कि देगा, लेकिन यहाँ पर भी वही पेच है कि अगर इनका बुरा प्रभाव चंद्रमा के साथ भी यही करनी चाहिए, तो चंद्रमा को देख के ये मैं सोच लेना कि हाँ भाई इसका तो एक्स्ट्रा कैरेक्टर होगा ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत प्रभाव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दूषित हो जाते हैं चंद्रमा से, तभी इस तरीके से कार्य करते हैं, शुक्र अगर दूषित हुआ तो वो एक्स्ट्रा मेडिकल एफेक्ट देगा, नहीं तो आपका जो है कि जीवन साथी बहुत खूबसूरत होने वाला है, डिवोटेड होने वाला है आपके पति, तो शुक्र अगर सेवन हाउस में हो तो डिवोटेड होता है, अपने मतलब कि वफादार होता है बहुत ही ज़्यादा अपने जीवन साथी के प्रति, अगर वो दूषित ना हो तो इस तरीके से ये अच्छे फल देने वाला है। उसके बाद में जो है कि शुक्र बारहवें घर, बारहवें घर है हमारे स्लीपिंग बेडरूम लाइफ स्लीप का, यानी का कम्फर्टली स्लीपिंग, अच्छी नींद, तो उस चीज़ के लिए भी आपको जो है कि बहुत ज़्यादा जो है कि मदद करने वाला है शुक्र, आपको ऐसी कोई परेशानी नहीं आएगी जिसकी वजह से आपकी रातों की नींद खराब हो। दूसरा वहाँ पर जो है कि भोग विलास का स्थान है, वो बारहवें स्थान का उच्च का हो जाता है शुक्र, वैसे भी जो यहाँ पर मैं बारह नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, बारह स्थान में भी वो बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है शुक्र, बारह स्थान में यहाँ आपका जहाँ पर भी ये जो मैंने ग्रह लिखे हैं वहाँ पर आपको कोई भी साइन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वहाँ पर मेष हो सकता है, वृश्चिक हो सकता है, धनु नाइन नंबर हो सकता है, एट नंबर हो सकता है, कोई नंबर लिखा हो उससे कोई मतलब नहीं, एक स्थान विशेष की बात हो रही है ये, तो यहाँ पर ट्वेल्थ हाउस के अंदर जो ट्वेल्थ भाव है उसके अंदर जो है कि शुक्र जो है कि भाव विलास की वस्तुएँ आप तक पहुँचाने की है, पूरा काम करेगा, आपको पूरी जो है कि चीज़ें प्रोवाइड करेगा, आपको भोग विलास के अंदर ले जाएगा, सिर्फ वही है दिक्कत यही है कि आपके जो है कि एक से ज़्यादा रिलेशन हो सकते हैं, क्योंकि भोग विलास के अंदर डूबने के बाद पैसा खर्च करेगा, पैसा मिलेगा आपको तभी आप खर्च करोगे, भोग विलास में डूबोगे, तो यहाँ पर जो है कि आज के संदर्भ में अगर देखा जाए तो बारहवें भाव में शुक्र जो हो तो वो थोड़ा सा विलासी बना देता है इंसान, तो उस पर थोड़ा कंट्रोल रखते हैं, बाकी अन्यथा पैसा धन दौलत और ऐसा आराम बहुत मिलने वाला है शुक्र बारहवें घर में आपके, तो ये इस तरीके से चलेगा। उसके बाद हम शुक्र के बाद लेते हैं गुरु जी को, गुरु जी अगर पांचवें भाव में हमारी विद्या, विद्या हमें गुरु प्रोवाइड करेगा, हो सकता है कि हम नंबर वन वाले स्टूडेंट्स ना हो, क्योंकि लेकिन हमें इतनी विद्या तो होगी कि हम बहुत अच्छे तरीके से पास हो रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे, तो वो हमारे बच्चे हैं, बच्चे मतलब कि कहते हैं कि इसमें एक वो भी बता दूं मैं कि एक विशेष नियम है कि जहाँ जिस भाव का कारक कोई ग्रह होता है वहाँ बैठ जाए तो उस भाव का नाश करता है, तो वो मतलब कि गुरु वहाँ का कारक भी है, तो कुछ लोग कह सकते हैं कि जो कि गुरु वहाँ पर है तो बच्चों में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन नहीं, ऐसा है कि गुरु अगर वहाँ पर है तो विशेष जब आज इसीलिए जो टॉपिक लिया यहाँ है, डिले हो सकता है लेकिन वो जो है कि आपको संतान अवश्य प्राप्त होने वाली है। इसी प्रकार से नौवें स्थान के अंदर जब गुरु है तो आपको हायर स्टडीज के अंदर वो मदद करने वाले हैं, आप अपने गुरु और अपने जो पिताजी के जो है कि बहुत आज्ञाकारी होने वाले हो, आप अपने धर्म के बहुत ही मानने वाले हो, मतलब कट्टर तो नहीं बोलूंगा लेकिन हाँ उसके जो है कि प्रचारक हो सकते हो, तो इस प्रकार से जो है गुरु वहाँ पर जो है कि आपको जो गुरु जो है कि हमारे दूसरे भाव का कारण भी है जो हमारा धन भाव है, यानी कि वो धन भी आपको प्रोवाइड करता रहेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। धन तो मतलब यहाँ पर जितने भी मैंने ग्रह दिए विमूर्त के बाद धन किसी की महादशा चल रही हो तो यहाँ पर बैठा है तो वो आपको इस तरीके से तो कभी भी नीचे नहीं जाना देगा कि आपको धन की कमी आए,
बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से, लेकिन जो है इसके जो और कारक हैं वो भी मैं साथ साथ बताता जा रहा हूँ कि जो जो उनकी महादशा अंतर्दशा प्रंतर दशा या वो घर जब एक्टिव होंगे तो वो चीज़ें भी कार्य करेंगी जो मैं बता रहा हूँ। तो इसी प्रकार से जो है गुरु के बाहर हम ले लेते हैं राहु मन ने बताया कि चंद्रमा शुक्र हो गया केतु, केतु सेकेंड हाउस में तो उसके बाद भूल गया सेकेंड हाउस ध्यान दिया जो केतु है, केतु डिटेक्शन मतलब डिटेक्ट करने का काम करता है, मतलब डिटेक्ट यानी कि अलग करने का सेपरेशन का काम करता है। अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गड़बड़ है तो उसको ट्रैक कर लीजिएगा, जो सेपरेशन करता है मेनली बात यह है कि अलग करने का काम करता है, किसी किसी चीज़ से दूर ले जाने का कार्य करता है। तो उसके अंदर जो है क्या है कि जो मतलब कि केतु यहाँ पर जैसे कि आपका परिवार है तो आपका हो सकता है कि आपके परिवार से आपको दूर कर दे और आपको धन प्रोवाइड कर दे, इसी प्रकार से हो सकता है कि आपको वसीयत ना मिले, हो सकता है, या हो सकता है ये कि वसीयत आपको मिले लेकिन आपके जो वाइफ की फैमिली उनसे दूर कर दे। परंतु धन पे जो मैंने आज जो बात कर रहा हूँ इस समय में वो इसलिए कर रहा हूँ कि वहाँ पर जो है कि आपको जो है कि जरूरत के टाइम पे जब आपको बहुत ज़्यादा नीड होगी तो आपको वहाँ पर मनी प्रोवाइड करना है, रिसोर्स जो रिसोर्स की कमी आपके पास हो रही है उस रिसोर्स को वो प्रोवाइड करेंगे वगैरह उस बारे में चर्चा हो रही है। ये अति विशेष स्थान है उनके जहाँ पर आने के बाद वो रिसोर्सों के अंदर जो भी उनके हाथ में होता है उस ग्रह के हाथ में होता है वो आप तक जरूर पहुँचाते हैं, आपको लेटडाउन नहीं होने देते वहाँ पर। तो इसी प्रकार से जो है कि आपका जो है मंगल, मंगल एग्रेशन बहुत ज़्यादा एनर्जी बहुत ज़्यादा उसके अंदर, तो वो सिर्फ एक दसवें भाव के अंदर ही आते हैं, उचका उचका भी होता है वहाँ पर, सॉरी उचका बोले तो उचका होता है लेकिन वो स्थान विशेष भी है उसके, क्योंकि उचका तो तब होगा जब यहाँ पर टेन नंबर लिखा होगा, लेकिन अगर टेन नंबर नहीं लिखा हुआ है उसके बावजूद वो वहाँ पर बैठा हुआ है तो भी उसने उस तरीके से ही कार्य करना जैसे वहाँ पर वो उचका जो है कि मंगल वहाँ पर कार्य करता था। वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लेवल पे ले जाने वाला आपको अपने वर्क प्लेस के अंदर और आपको बहुत ऊंचाई पर पहुँचाने वाला है। मंगल का ये कार्य है कि किसी भी चीज में हार ना मानने वाले जो सिचुएशन है वो मंगल भाव प्रदान करेगा और वो एक ऐसा सेनापति आपको रहेगा, वो हर चीज से लड़कर अपने लिए रिसोर्सेज जो है ढूंढ लोगे। तो इस तरीके से मंगल भाव बहुत अच्छा काम करने वाला है। इसके बाद हम लेते हैं सूर्य, सूर्य जो है ग्यारह भाव में हो तो हो सकता है कि आपके शत्रु बहुत ज्यादा हो, परंतु देखा गया कि जहाँ पर सूर्य जो ग्यारह भाव का शत्रु बहुत ज्यादा होते हैं उस इंसान के, परंतु जो कि शत्रु हमेशा पराजित होते हैं विजय हमेशा उस जातक की होती है और लाभ स्थान है तो लाभ आपको मिलता ही रहेगा। और वहाँ पर सूर्य होने से इंसान सत्यवाद वगैरह सत्य लगाने वाला भी होता है, वहाँ से कुछ लाभ मिल जाता है उसको। ग्यारहवें भाव में बुध भी बहुत अच्छा कार्य करता है क्योंकि बुध एक जो है कि ऐसा प्लैनेट है जो मतलब कि दिमाग बहुत ज़्यादा लगाता है कमाने के लिए या उसके अपने फायदे के लिए, तो फायदे का घर है, वहां पर खुद बुध आके बैठ गया तो उसे तो फायदे के बारे में सोचना ही और फायदा कराना ही, क्योंकि बिजनेस का जो है कि मेन प्लैनेट है जो कि मरकरी बुध, तो वो अगर ग्यारहवें भाव में बैठा तो यकीन मानिएगा कि आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं उसके अंदर उसने आपको नुकसान नहीं होने देना है। अगर उसे बहुत ज्यादा मतलब कि जो कंडीशन से बता रहा हूँ इसमें अगर बहुत ज्यादा ही पाप प्रभाव है, अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है तो होना नहीं चाहिए जहां तक मेरे जो रीडिंग्स में मैंने देखा है, लेकिन अगर होता भी है भाई साहब तो फिर किसी अच्छे से जरूर दिखा लीजिएगा कि वो गड़बड़ कहाँ हो रही है, कहाँ पेश फंसा हुआ है आपकी कुंडली के अंदर, कौन सा ऐसा ग्रह बैठा हुआ है जो उसको नुकसान बहुत बुरी तरीके से पहुँचा रहा है, कोई बहुत बुरी तरीके से साधारण से उसे कुछ नहीं होने वाला, वहाँ पर वो प्रोवाइड करेगा करेगा आपको, तो इस तरीके से वहाँ पर वो काम करने वाला है। इस तरीके से मैंने आज जो है कि आपको बताया है जो अति विशेष स्थान जहाँ पर आखिरी ग्रह जो है कि आपको बहुत अच्छा फल देने वाले हैं वो स्थानों के बारे में जिक्र। तो इससे पहली वीडियो भी आप जरूर देखिएगा जिसमें कि मैंने ये बताया कि कौन से ऐसे स्थान हैं जहाँ पर जो ग्रह बहुत वीक हो जाते हैं, तो वो जो बताए हैं वो भी जो मरण करण स्थान बताया था तो वो उसको भी जरूर देखिएगा और जो है कि लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि इससे मेरा हौसला बढ़ता है ना आप तक, जो कि चुन चुनकर मोदी जो हमारे ज्ञान के सागर में हमारे जो शास्त्रों के अंदर हैं वो मैं ढूंढ ढूंढ कर आप तक पहुँचाता रहूँ, मेरा हौसला इस तरह बढ़ाता रहिएगा। तो अब आगे चाहता हूँ, नमस्कार।